YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के शेयर में अभी आपको क्या करनी चाहिए। तो यस बैंक के शेयर के बारे में कंप्लीट रूप से हम इस वीडियो में जानेंगे। आज की यस बैंक के शेयर का प्राइस का चार्ट देखें तो ये इसका रेजिस्टेंस रीजन है जो कि 15 रुपीज को निश्चित रूप से क्रॉस करे तभी आपको इस शेयर के बारे में सोचना चाहिए। उससे पहले सोचना भी नहीं चाहिए इस शेयर को बाय करने का। जब ये 15 रुपीज के ऊपर सस्टेन कर जाए तभी आप इसको बाय करने के लिए सोचें। अगर नीचे सपोर्ट रीजन की बात करें, जो सपोर्ट रीजन है 12 रुपीज 15 पैसा है। 12 रुपीज 15 पैसा के नीचे अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है जो यस बैंक है तो निश्चित रूप से काफी ज्यादा वीक हो जाएगा, तो फिर स्टॉक्स को निश्चित रूप से आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो पहला जो की रेसिस्टेंस हमारा हो गया 15 रुपीज के ऊपर इस स्टॉक्स को निकलना है, सस्टेन करना बहुत ही बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद करें यहाँ पर जो अगला रेसिस्टेंस रीजन है वो रहेगा आपको 20 रुपीज के ऊपर निकलता है तो फिर एक जबरदस्त मोमेंटम हमें इस स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। ये हुआ एकदम सिंपल यस बैंक के शेयर प्राइस के चार्ट का एनालिसिस। ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस रीजन को जब क्रॉस करता है तभी हमें मोमेंटम देखने मिलेगा। सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे मूव करता है तो हमें काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने मिल सकता है जो भी काफी लिमिटेड है, क्योंकि 12 रुपीज का ये शेयर है, नीचे कितना जा सकता है, अब 5 रुपीज तक जा सकता है, लेकिन अपसाइड काफी अनलिमिटेड है। अगर 15 रुपीज को क्रॉस करता है तो पहला जो की रेसिस्टेंस होगा वो 20 रुपीज से 21 रुपीज का ये जो रीजन है। अगर 21 रुपीज के ऊपर सस्टेन कर जाता है, निकल जाता है, फिर यहाँ हमें जबरदस्त तेजी इसे स्टॉक्स में देखने मिल सकता है जो कि इसे 30 रुपीज तक ले जा सकता है। तो सिंपल शेयर प्राइस के चार्ट का एनालिसिस किए सपोर्ट और रेसिस्टेंस रीजन के आधार पर। अब हम देखिए इसके फाइनेंस को देख लेते हैं। मार्केट कैप है 32,000 करोड़ का। आप देखिए कुछ समय पहले बात करें मार्केट में, जैसे 3 ईयर्स पहले तो 70,000 करोड़ का ये शेयर हुआ करता था। वहां से देखिए काफी ज्यादा ये स्टॉक जो है फॉल किया, क्योंकि इसमें जो इनके फाउंडर और एमडी थे राणा कपूर, उन्होंने जो फ्रॉड किया उसके कारण इतना गिरावट देखने मिला। अब बात करें यहाँ पर जो इसमें सुधार है, तो इसका जो टॉप लाइन ग्रोथ है और बॉटम लाइन ग्रोथ की बात है, तो 2019 में यहाँ पर जो सेल्स था वो 8,000 करोड़ के आसपास का था। अभी देखिए सेल्स काफी डिक्रीज हो गया है, 5,000 करोड़ के आसपास का है, उससे भी कम है। वही बात करें यहाँ पर जो प्रॉफिट है, तो देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा बहुत सुधार देखने मिला है पिछले 3 क्वार्टर से, 200 करोड़, देखिए 266 करोड़, और उससे पहले यहाँ पर जो था 2019 में देखिए काफी हैवी लॉसेस ये कंपनी दिखा रही थी जिसके कारण फ्रॉड इसमें सामने आया और काफी ज्यादा यहाँ पर गिरावट हमें इस स्टॉक्स में देखने मिला। अगर देखिए बैंकिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, जैसे कैपिटल एडुकेशन रेशियो 90% का है, काफी बेहतरीन है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये भी काफी बेहतरीन है, 3.4% का मार्जिन लेती है कंपनी जो लोन लेती है और जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब जो डिपॉजिट लेती है और जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बीच का मार्जिन इतना है तो अच्छा खासा है। ग्रॉस एनपीए 15% है, नेट एनपीए 4% है। अब बात यहाँ पर आता है इन्वेस्टर का, तो देखिए इन्वेस्टर जो इसमें है खास करके सारे इंस्टीट्यूशन सब है। यहाँ पर आप डीआईज में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे कौन कौन से इसमें इंस्टीट्यूशन जो है अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टेट बैंक 30% का स्टेक रखता है, ICICI बैंक लगभग 3%, तो उसी तरह देखिए वेरियस एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, सारे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट है सबका कुछ ना कुछ स्टेक है। HDFC का है इसमें, कोटक महिंद्रा बैंक का है, तो इस तरह से काफी बेहतरीन रूप से इस कंपनी को, मतलब इस बैंक को सुधार करने की कोशिश किया जा रहा है जो फ्रॉड के बाद इसमें सिनेरियो उत्पन्न हुआ था। अगर इसी तरह से इम्प्रूवमेंट जारी रहता है तो निश्चित रूप से हमें शेयर प्राइस में वो रिफ्लेक्ट देखने मिलेगा। लेकिन हमारा कहना यहाँ पर यही होगा ऐसे शेयर को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको बैंकिंग सेक्टर में ही निवेश करना है तो काफी अच्छे अच्छे बैंक आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे आपको HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, इन सब बैंकों में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, तो इससे ज्यादा अच्छा खासा वेल्थ वहाँ पर जनरेट होगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रहेगा। तो मैं ऐसे शेयरों में निवेश करना पसंद नहीं करूंगा, खास करके जो बिगनर्स लोग हैं वैसे लोग ही इस शेयर में फंसते हैं। जो खास करके शुरुआत में मार्केट में आते हैं उन्हें ये शेयर काफी अट्रैक्टिव लगता है कि 400 रुपये से ये स्टॉक्स गिर करके मात्र 13 रुपीज 15 रुपीज में मिला है तो फिर से ये 400 तक जा सकता है, ऐसा नए लोगों को लगता है। लेकिन कंपनी के फाइनेंस में, कंपनी के बिजनेस में इतना दम नहीं है
ये स्टॉक फिर से 400 जाए, हो सकता है कि चला भी जाए, लेकिन उसमें भी आपको काफी इंतजार करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ काफी बुरी तरीके से स्टॉक्स में गिरावट देखने मिला, तो ये स्टॉक देखिए 400 रुपीज का ये हुआ करता था। ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, काफी बेहतरीन बेहतरीन शेयर आपको मार्केट में मिल जाएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे शेयर को अवॉइड करना है। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो हम काफी अच्छे अच्छे शेयर आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो जो कि हम आगे भी लेकर के आपके लिए आएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।